वेल गुड मॉर्निंग, प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सबों का क्राइस्ट विहार ऑनलाइन चर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग चर्च में से यही प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आप प्रभु में स्वस्थ चंगे रहें और प्रभु के अनुग्रह में बने रहने पाएं। हालांकि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ महामारी और फैली हुई है और चारों तरफ बंदी है और बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है। और ऐसे समय में हम लोग उन बीमार जनों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोए हैं उनके लिए शांति और संभावना की घोषणा करते हैं। हालेलुया। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे आज, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है और जो खासतौर से ऐसे परिस्थितियों के लिए बहुत ही सटीक है। आप हमारे साथ वचन खोलेंगे रेवलेशन चैप्टर 22, 12 एंड 13, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 से 13 लिखा हुआ, लुक आई एम कमिंग सून, माय रिवार्ड इज विथ मी एंड आई विल गिव टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव डन। I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. हिंदी में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। कुछ साल पहले हमारे और हमारे फैमिली को ऐसा मौका मिला कि हम लोग थाईलैंड गए, वहाँ बैंकॉक, और वहाँ पर हम लोगों को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था। और जब हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया तो हम लोग फिर घूमने के लिए इधर उधर गए और हम लोग की इच्छा थी कि वहाँ राजमहल आदि भी देखने पाएं। और मैं, प्रीति, जैन हम लोग गए वहाँ राजमहल देखने के लिए। बाहर जब कि खड़े थे तो ऐसे समय में हम लोगों को पता चला कि महाराजा आ रहे हैं। हम सब लोग, जितने भी टूरिस्ट लोग थे और वहाँ के प्रजा के लोग थे, वे सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो गए और हम लोग इंतजार कर रहे थे महाराज के आने की। और हम लोगों को वहाँ पर खड़े खड़े बहुत देर हो गए, प्लस हम लोगों को वापसी भी लौटना था। बहुत देर होने के बावजूद भी जब राजा नहीं आए तो हम लोग फिर वापस आ गए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के एक ऐसे राजा के विषय में जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, अब और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। बाइबिल उसके बारे में बात करती है कि समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोग बाइबिल में जो मैथ्यू चैप्टर 24 में अंत के दिनों के जो चिन्ह हम लोग पाते हैं, वो सारे चीज वन बाई वन हम लोग अभी दुनिया में घटते हुए देख रहे हैं। जैसे कि उनमें से एक सबसे बड़ा चीज जो विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है, चारों तरफ महारोग फैले हुए हैं, मरी फैली हुई है, हजारों की संख्याओं में लोग मर रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बीमारी से ग्रसित हैं। और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हो रही है, बहुत जगहों में कहीं कहीं भूकंप आ रहे हैं, आग लगी की घटना घट रही है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में आग लगी की घटना इतने विशाल स्तर पर हुआ कि बहुत सारे लाखों की संख्याओं में जानवर मर गए। और उसके बाद वाले वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि अब जानवरों के समान मनुष्य लोग मर रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग देख रहे हैं विश्वव्यापी आर्थिक संकट छा रहा है हर जगह में। हमारा भी अपना देश, जो कि एक विकसित देश के रूप में उभर रहा था, अब फिर से पिछड़ रहा है आर्थिक मामलों में। और भारत के लोग में फिर से गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट आदि आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी अनोखी घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ तो बीमारी से लोग मर रहे हैं, बहुत बार हम लोग देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, अजीब अजीब घटनाएं घट रही है, घरों में आग लग जा रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ जो पहले मुफ्त में मिलते थे, जैसे पानी, पानी की बिक्री हो रही है, हवा जो मुफ्त था, हवा भी, ऑक्सीजन भी हजारों लाखों रुपया में लोग खरीद रहे हैं। मुझे याद आता है कि बचपन में, करीब 80s के दशक में, मैं बॉम्बे गया
अपने फैमिली के साथ उस समय बहुत ही छोटा था, और वहाँ पर गया तो एक जगह देखा मुझे प्यास लगी, धूप में हम लोग घूम रहे थे तो एक जगह मुझे प्यास लगी तो एक जगह ठेले पर लोग पानी बांट रहे थे, सो मैं भी वहाँ पर गया, वहाँ से एक गिलास पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद जैसे ही मैं वापस मुड़ के जाने लगा तो ठेले वाले ने उनसे पैसा मांगा कि 1 रुपया पैसा निकालो। वो बात उन दिनों में उन वर्षों में बहुत ही अद्भुत थी कि अरे भाई मैंने पानी पिया तो पानी का क्या पैसा, क्योंकि उन दिनों में बिहार में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कहीं पानी बिक रहा हो। और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में पान साला रहते थे और पानी लोग फ्री में बांटते थे, पानी का पैसा देने की तो बात ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पर पहला बार मैंने पानी का पैसा दिया, और अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए पैसा लिया जा रहा है, ना ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और इन दिनों में खासतौर से ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगा में बिक रहा है, ना 20,000, 25,000, 50,000, मैं सुना कि किसी ने 90,000 में भी जस्ट एक सिलेंडर लिया सिर्फ कुछ घंटों के सांस के लिए वे उन्होंने खरीदे। और तो ये सारी चीज़ें अंत के दिनों की घटनाओं का हाल है, और ये सारे बातें हमें सचेत करती है और सावधान करती है। और मैं ऑफिस में बैठे हुए था 2-3 दिन पहले, सो प्रभु ने रात्रि में मुझे बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, सो यू गो एंड स्पीक अबाउट माई कमिंग, और मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, लोग तैयार होने पाए। और इसलिए आज मैं यह संदेश प्रभु की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्रभु का आगमन निकट है, और इसके लिए हम लोग और चर्च के लोग और दुनिया के लोग तैयार होने पाए, ताकि कोई भी पीछे ना छूटने पाए और सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। यू नो द बुक ऑफ रेवलेशन इज एन एपोक्लिप्टिक एंड प्रोफेटिक मैसेज रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स कंसर्निंग द ट्राइबुलेशन, God's triumph over evil and Christ's return to reign on earth and the blessedness of God's eternal kingdom. So, जो ये प्रकाशित बाकी किताब है वह अंत की घटनाओं का उल्लेख करता है। ये उल्लेख करता है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं घटेगी, भविष्य के बारे में बातें बताती है, और फिर ये बताती है कि किस प्रकार से महाक्लेश आएगा अंत के दिनों में, और फिर परमेश्वर का बुराई पर जय प्राप्त होगा, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, और वो धन्य अनंत काल का साम्राज्य होने पाएगा जिसमें हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी रहने पाएंगे। दिस पैसेज ऑफ रेवलेशन 22 इज अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज कमिंग सून एंड हिज कमिंग विद सम रिवार्ड टू गिव टू ईच पर्सन। और यह जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 है वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में, कि वो जल्द आ रहे हैं, उनका आगमन निकट है, और साथ ही साथ जो लोग विश्वास योग्य जन हैं उनको वो रिवार्ड और प्रतिफल बदला देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में इस प्रकार से लिखा हुआ, 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलने पाए, और इसी तरह से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, और यही होने वाला है, और ये बहुत जल्द होने वाला है, और हम विश्वासी भाई बहन हम सब लोग उस बात की तैयारी कर लें। यू नो द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट विल बी इन 2 phases, number 1 रैप्चर, number 2 रेवलेशन। जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन या द्वितीय आगमन होगा वह 2 भाग में होगा,
पहला होगा रैप्चर यानी कि उठा लिया जाना यानी जब, और दूसरा होगा प्रकाशन। रैप्चर में जो पहला है रैप्चर यानी कि उठा लिया जाना, उसमें प्रभु यीशु मसीह चोर के नाई चुपके से आएगा। जब लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि कब प्रभु आएगा, जब लोग व्यस्त रहेंगे अपने कामों में, अपने बातों में, दुनिया की बातों में, उसी समय से प्रभु अचानक बादलों पर प्रकट होगा। और जितने भी लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं वे लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे हवा में, और वे प्रभु से मिलने पाएंगे बादलों में, ताकि वे प्रभु के साथ सदैव रहने पाएंगे। सो द रैप्चर विल सेव द बिलीवर्स फ्रॉम अपकमिंग ट्रिब्यूलेशन पीरियड। और ये जो उठा लिया जाना है वह विश्वासियों को बचाने पाएगा आने वाले क्लेश और संकट और परमेश्वर के क्रोध से, क्योंकि वे पहले ऊपर उठा लिए जाएंगे जो फेथफुल लोग रहेंगे, और उसके बाद ही इस पृथ्वी पर और ज़्यादा संकट आएगा। जो संकट अभी हम लोग देख रहे हैं इस महामारी महारोग, उससे भी और भयानक भूकंप, महाभूकंप, महामारी, और भी बहुत सारे आने बातें आने पाएगी, जल पर लय आदि बहुत सारी चीज़ें, और जिसके द्वारा बहुत सारे अन्य लोग मरेंगे। लेकिन हम लोगों के लिए शुभ संदेश है, उसके पहले हम लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे और तब जाके ये ज़्यादा और अन्य महाक्लेश का समय आएगा। Revelation chapter 16:15 says, "Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame." प्रकाशित वाक्य 16:15, देख मैं चोर के समान आता हूँ, और धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगापन को ना देखने पाए। यहाँ पर इस वचन में लिखा हुआ कि वस्त्र, वस्त्र के महत्व को दिखाया गया कि हम लोग वस्त्र धारण करें और अपने वस्त्र की चौकसी करने पाए, वो उस पवित्र वस्त्र जो प्रभु हमें देता है। 2-3 महीना पहले मुझे एक ऑफिशियल काम के कारण से यहाँ के कस्टम कमिश्नर के ऑफिस जाना था, और चूंकि मुझे कमिश्नर से मिलना था सो आई पुट ऑन द वेल ड्रेस, मैंने अपने आप को सबसे बढ़िया सूट पहना, कोट पहना, सब कुछ बढ़िया सा तैयार होकर के मैं गया। और जब मैं वहाँ कस्टम कमिश्नर के ऑफिस में जब मैं पहुँचा, जनरली उनके कैंपस में ही पूरी चेकिंग होती है, एंट्री भराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन जब मैं पहुँचा तो मेरा कोई भी चेकिंग नहीं हुआ। पता नहीं लोग मुझे देखे, मुझे मेरा कोई चेकिंग नहीं किए, ना ही मुझे एंट्री भरवाए, और मैं सीधे ऊपर गया और मेरे साथ और भी 2 लोग थे। और जैसे मैं गलियारे में, उस गलियारे में पहुंचा, जब सामने जो कमिश्नर का ऑफिस था उसके दोनों तरफ बहुत सारे पुलिस या बॉडीगार्ड्स लोग बैठे हुए थे वहाँ पर गलियारे में, और जैसे ही मैं वहाँ पर एंट्री किया वहाँ पर सब लोग 1 by 1 खड़े हो गए और मुझे सैल्यूट किए। सो मैं बहुत ताज्जुब किया कि ये मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। सो लेटर ऑन आई रियलाइज कि मे बी हो सकता है कि वो मुझे कोई ऑफिसर समझ रहे हैं और इस कारण से ये लोग सारे लोगों ने मुझे सैल्यूट किए, और मेरे वस्त्र को देख करके उन्हें लगा कि शायद मैं कोई ऑफिसर हूँ। सो वस्त्र का भी अपना ही महत्व है कि हम लोग किसी उचित वस्त्र का धारण करने पाए, और ख़ास तौर से जब हम अपने दूल्हा यीशु मसीह प्रभु से मिलने वाले हैं तो हम लोग दुल्हन के समान सज धज कर एक सही वस्त्र धारण करके प्रभु से मिलने पाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए, ताकि हमारे परमेश्वर के राज्य में एंट्री रुकने ना पाए वरन सही स्वागत होने पाए। बाइबिल में वस्त्र के बारे में बताती है बाइबिल कि क्लॉथ योर सेल्फ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम लोगों को किस प्रकार का वस्त्र धारण करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में धारण करो, रोमियो अध्याय 13:14 में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहन लें वस्त्र के समान। और यदि हम लोग मसीह रूपी वस्त्र को पहने रहेंगे निश्चित तौर से हमारा स्वागत होगा। फिर हम लोग देखते हैं कुलोसी अध्याय 3:12 में लिखा हुआ है, क्लॉथ योर सेल्फ विद कॉम्पैशन ह्यूमिलिटी जेंटलनेस एंड पेशेंस, कि तुम करुणा नम्रता भलाई सहनशीलता रूपी वस्त्र धारण करो। रेवलेशन चैप्टर 19:13 में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में,
कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू छिड़का हुआ वस्त्र, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आज हमारा जो वस्त्र है वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र हो, हमारे सारे पाप धुल जाने पाए, हम लोग पवित्रता और स्वाभिमान होकर के प्रभु के सम्मुख खड़े होने वाले होने पाए धार्मिकता के साथ। सो पहला हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की रैप्चर, दूसरा है रेवलेशन प्रकाशन। इन रेवलेशन एवरी आई विल सी जीसस कमिंग विद मेनी एंजल्स, और प्रकाशन में हर एक आंखें देखने पाएगी कि यीशु मसीह को आते हुए हर एक आंखें देखने पाएगी, दुनिया के लोग भी देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आ रहे हैं अपने सेनाओं के साथ। He will come as King of Kings and Lord of Lords to judge the world, destroy Satan and demons and to establish His kingdom with His faithful ones. और वह आएगा राजाओं के राजा के समान, प्रभुओं के प्रभु बन करके इस दुनिया में न्याय करने के लिए, शैतान और दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए, और अपने विश्वास योग्य जनों के साथ अपना राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु आएगा। और उस समय सारे लोग देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1:7 में लिखा हुआ है, लुक ही इज कमिंग विद द क्लाउड्स एंड एवरी आई विल सी हिम इवन दोज हु पियर्स्ड हिम एंड ऑल पीपल्स ऑन अर्थ विल मॉर्न बिकॉज ऑफ हिम सो शैल इट बी आमेन। प्रकाशित वाक्य का साथ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ और आमीन। सो देयर आर डिफरेंट टाइटल्स मेंशनड इन दिस पैसेज, और हम लोग पाते हैं इस पैसेज में जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए खासतौर से 22 का हम लोग जो पढ़ते हैं 12 13 में और खासतौर से 16 में, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे टाइटल हैं। पहला है द ग्रेट आई एम, कि वो महान मैं हूँ, और पुराने नियम में वो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सामने अपने आप को प्रकट किया इस रूप में, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। और वही चीज नया नियम में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, आदि बहुत सारे ऐसे मैं हूँ करके पाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ही वो है, यानी मैं हूँ। फिर हम लोग पाते हैं उनके विषय में कि वो हिज अल्फा एंड ओमेगा, वही आदि और अंत है, वही प्रारंभ है वही अंत है। सो दैट्स अ गुड न्यूज, हमारा जीवन का अंत भी प्रभु के साथ है। हिज ऑल्सो रूट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ डेविड, वही दाऊद के मूल और वंश है, एक राजा के समान दाऊद जैसे राजा, उसके कारण से वह महाराजा है। फिर हम लोग देखते हैं हिज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार, वही भोर का चमकता हुआ तारा है, भोर का चमकता हुआ तारा सूर्य के समान। दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, बीमारी महारोग महामारी गरीबी लाचारी अकेलापन डिप्रेशन, और लोग ना सिर्फ शारीरिक बीमारी से हैं वरन लोग मानसिक रूप से भी अशांत हैं बेचैन हैं। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें उनके भी जीवन में डर समाया हुआ कि कब बीमारी उन्हें धर लेगा या कब वो मर जाएंगे, उनके आगे क्या होगा। और ऐसे समय में एक और भी बातें मैं बताना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट, इन दिनों में इस मरी और महामारी के बीच में दुष्ट आत्माएं भी बहुत ही क्लियरली काम कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा भी निगेटिव थाट लेकर चलते हैं उनके ऊपर और भी दुष्ट आत्माएं आती है आ रही है। और मेरे साथ भी 2-3 बार जब मैं रात्रि में वचन पढ़ रहा था बाइबिल से तैयारी कर रहा हूँ ऐसे समय मैंने उपस्थिति मैंने महसूस किया अचानक दुष्ट आत्माओं का, और ये लोग इस मरी के बीच में कार्य कर रहे हैं रात में भी। और यह हमें सावधान करती है कि हम लोग बहुत ही जागते रहें और सावधान रहें और प्रार्थना में लौलीन रहने पाएं, और हम लोग इन शैतान और दुष्ट आत्माओं पर उस प्रभु यीशु मसीह के लहू उस मेमने के लहू और वचन के द्वारा जयवंत रहने पाए। हालेलुया। सो आप फर्दर हम लोग देखते हैं वचन 14:22-14 में,
प्रकाशित वाक्य कि ब्लेसेड आर दोज हु वॉश देयर रोब्स, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो वस्त्र धो लेते हैं, और उनके लिए कुछ रिवार्ड है। नंबर वन कि दे विल गेट रिवार्ड्स और उनके पास कुछ प्रतिफल होगा, और किस प्रकार का प्रतिफल होगा कि जैसा उन्होंने कार्य किए और उस प्रकार से प्रतिफल होगा। और हमारा जो उद्धार है विश्वास के द्वारा, लेकिन हमारे पास जो प्रतिफल आते हैं हमारे सुकर्म के द्वारा भी आते हैं। रोमियो अध्याय 2:6-8 में लिखा हुआ है गॉड विल रीपे ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव डन, दोज हू बाय परसिस्टेंस इन डूइंग गुड सीक ग्लोरी ऑनर एंड इमोरालिटी एंड इमोर्टालिटी सॉरी ऑनर एंड इमोर्टालिटी ही विल गिव इटर्नल लाइफ, बट फॉर दोज हू आर सेल्फ सीकिंग एंड हू रिजेक्ट द ट्रूथ एंड फॉलो ही विल देयर विल बी रैथ एंड एंगर। हिंदी में परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में उन्हें वो अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। सो हमें जरूरत है कि हम लोग सुकर्म करें इन दिनों में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग सहायता के लिए पुकारते हैं या फोन करते हैं या बुलाते हैं, हो सकता है हम लोग कई बार जाने ना पाए, लेकिन जो हमसे कैपेसिटी है जरूर हम लोग लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहने पाए। हो सकता है फोन के द्वारा, हो सकता है धन के द्वारा, धन भेजने के द्वारा हम लोग सहायता कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी वाइफ प्रीति को किसी ने फोन किया कि पटना में कि किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन सिलेंडर की, और किस प्रकार से मिल सकता है जबकि चारों तरफ अनुपलब्ध है और कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत पैसा खर्च करने पर भी लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, और वो व्यक्ति भी अनजाने जैसे ही थे, कोई खास हम लोग क्लोज नहीं थे उस फैमिली से। इसके बावजूद भी प्रीति ने बैठे बैठे यहाँ घर बैठे बैठे ही फोन घुमाई और परमेश्वर ने मदद किया और सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम होने पाया और उस मरीज का जीवन बचने पाया। हालेलुया। सो बहुत सारे काम हम लोग घर बैठे भी लोगों की सहायता कर सकते हैं फोन के द्वारा और अन्य तरीकों से लोगों को इनकरेज कर सकते हैं इन दिनों में, और हम लोग सुकर्म में स्थिर रहें, सुकर्म करें ताकि हम लोग परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रतिफल और रिवार्ड हमें मिलने पाए। फिर हम लोग देखते हैं दे विल हैव द राइट टू ईट द ट्री फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ, और उनके पास अधिकार होगा कि वे जीवन के वृक्ष का फल खाने पाए। उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर दो तरह के पेड़ थे, एक तो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। आदम और हवा ने उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाए थे, लेकिन जीवन के वृक्ष का फल खाने नहीं मिला और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जो लोग अपने वस्त्र को धो लेते हैं और सुकर में स्थिर रहते हैं, मसीह में बने रहते हैं, दे विल हैव द राइट टू ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ, उन्हें यह अधिकार होगा कि वे जीवन के वृक्ष के फल को खाकर अमरता को ग्रहण करने पाए। दे मे गो थ्रू द गेट्स इनटू द सिटी, और अगला रिवार्ड होगा कि वे लोग उस परमेश्वर के नगर में उस स्वागत द्वार से होकर के वे गुजरने पाएंगे। हालेलुया। सो ये लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, लेकिन बाहर कौन लोग रहेंगे जिन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, आउटसाइडर्स और कर्स और दोज। वचन 15 में हम लोग पाते हैं कि कौन कौन लोग बाहर रहेंगे, लिखा हुआ पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इसमें पहला आता है कुत्ते। जरूरी कि आज के वर्तमान परिस्थिति में डॉग्स हैव बेटर पोजीशन एंड वैल्यू। जरूरी कि आज के वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे जो पालतू कुत्ते हैं उनका सही आदर मान है, महत्व है, और खासतौर से ब्रीड डॉग्स का लाइक रॉटवेलर, लैब्राडोर, सेंट बर्नार्ड, जर्मन शेफर्ड, बहुत सारे। और मेरा बेटा जाइन को कुत्ता, ऐसे पेट डॉग्स बहुत पसंद है।
बिकॉज दे आर फ्रेंडली एंड फेथफुल। और धीरे धीरे मैं भी उनके महत्व को समझने पा रहा हूँ। बट देर आर ऑल्सो निगेटिव क्वालिटीज इन वाइल्ड डॉग्स एंड जनरल डॉग्स। और यहाँ पर पशु का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव की बात हो रही है कि मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार वाइल्ड डॉग्स के समान हो रहा है, जंगली कुत्तों के समान या जंगली जंतु के समान, पशु के समान व्यवहार कर रहे हैं। और हमें जरूरत कि हम लोग वाइल्ड डॉग्स के समान व्यवहार ना करें, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर रहने पाएंगे। देन ऑल्सो दोज हु प्रैक्टिस मैजिक आर्ट्स और सॉर्सरी, वैसे लोग जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि, कब्र पूजा, शैतान पूजा आदि में लगे हुए हैं, वैसे सारे लोग परमेश्वर के राज से बाहर रहेंगे। हम लोग पाते हैं सॉल जो चुना गया था परमेश्वर के बड़े काम के लिए और इज़राइल के पहले प्रथम राजा के रूप में, वो भी अवज्ञाकारिता के कारण और ये भूत सिद्धि में इन्वॉल्व रहने के कारण अपने राजपाट को खोना पड़ा। पहला सैमुअल अध्याय 28 का 7 में लिखा हुआ, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 28:7। देन सॉल सेड टू हिज सर्वेंट्स, फाइंड मी अ वुमन हु इज अ मीडियम दैट आई मे गो टू हर एंड इंक्वायर ऑफ हर। सॉल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उसे कहा, इंदौर में भूत सिद्धि करने वाली रहती है, और वह उसके पास गया शाऊल। यहाँ पर शाऊल देखते हैं कि परमेश्वर से पूछने के बजाय वह एक भूत सिद्धि करने वाले से पूछताछ कर रहा है, और जो कि परमेश्वर का नापसंद होने पाया और उस पर उसका दंड भी होने पाया। फिर और कौन लोग रहेंगे परमेश्वर के राज से बाहर, लिखा हुआ सेक्सुअली इमोरल पीपल, दोज हु आर हैविंग पॉलीगामी, एडल्ट्री, होमोसेक्सुअल, पोर्नोग्राफर, जो बहुविवाह, व्यभिचार, समलैंगिकता, अश्लील हरकतें आदि में लगे हुए हैं, वैसे सारे लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे। मर्डरर्स, आइडोलेटर्स, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हु लव्स एंड प्रैक्टिसेस फॉल्सहुड, और झूठ बोलने वाले और झूठ का गढ़ने वाले, ऐसे सारे लोग भी वे लोग बाहर रहेंगे। और उनका 21:8 में हम लोग पाते हैं, 21:8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है कि मृत्यु जो है वह तीन प्रकार की है। एक तो स्पिरिचुअल डेथ है, जब व्यक्ति जो जीवित है लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई हालात में है परमेश्वर से दूर रहने के कारण, यानी अविश्वासी लोग, तो दे आर स्पिरिचुअली डेड पीपल। दूसरा हम लोग देखते हैं फिजिकल डेथ, यानी शारीरिक मृत्यु, किसी रोग से मर गए या बुढ़ापे में जो मृत्यु होती है, जब शरीर और आत्मा अलग होता है तो उसे शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। लेकिन तीसरा इटर्नल डेथ, जो कि आत्मा है और वह परमेश्वर का मार्ग पर नहीं चला या मसीशु पर विश्वास नहीं किया, सुकर में स्थिर नहीं रहा, स्वाखरी में ऐसे लोगों का भाग होता है कि वे आग और गंधक के झील में डाल दिए जाते हैं, और यह इटर्नल डेथ है कि सदा काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना। लेकिन बाइबल बताती है आत्मा और दुल्हन कहती है आ, 17:22 में हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती कि आओ, और सुनने वाले भी कहें आ, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत लेने पाए। द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम ओ लॉर्ड, एंड लेट द वन हु हियर से कम, लेट द वन हु इज थर्स्टी कम, एंड लेट द वन हु विशेस टेक द फ्री गिफ्ट ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ। सो हम लोग आखिरी बार यहाँ पर, दिस इज द लास्ट मेंशन ऑफ द होली स्पिरिट इन द बाइबल, बाइबल में आखिरी बार यहाँ पवित्र आत्मा का उल्लेख है। सो हमें जरूरत है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए, अपने पापों से मन फिराने पाए, और हम लोग तैयार होने पाए प्रभु का संदेश बहुत ही स्पष्ट है हमारे लिए और आपके लिए भी, कि
समय निकट है, प्रभु का आगमन नजदीक है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो अन्याय करता वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, लेकिन जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। और हम लोग ऐसे समय बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाने वाले भी होने पाए कि वे लोग भी आग से छूट करके परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करने पाए। हालेलुया। सो इस संदेश का सार यही है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। जीसस इज गोइंग टू कम सून एंड वी आर सीइंग ऑल द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द एज। हम लोग हर एक प्रकार के अंत के दिनों के और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह को देख रहे हैं और हमें जरूरत है कि हम लोग उसके लिए तैयार होने पाए। प्रभु के आगमन के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, अपने सारे पापों का अंगीकार कर लेने की जरूरत है और प्रिपेयर करने की जरूरत है। अपने आप को तैयार कर लें, दूसरे लोगों को भी तैयार करें और साथ ही साथ प्रीच दिस मैसेज, दूसरे लोगों को भी ये प्रभु के आगमन के विषय में बताएं कि वे लोग पीछे ना छूट जाएं, वे लोग बाहर ना रह जाएं, वे परमेश्वर के राज में भीतर वो प्रवेश कर लेने पाए। और तभी जैसा लिखा हुआ ज्ञान के दिनों में यह सुसमाचार पूरे जगत में फैलेगा और तब जाके अंत होगा और तभी हम लोग अंत को देखने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देख सकने पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और हमारी यही प्रार्थना है कि हम और आप भले चंगे रहने पाए और प्रभु के साथ हम लोग भी जब प्रभु आते हैं हम लोग प्रभु के साथ जाने वाले होने पाए, हम लोग पीछे छूटने वाले ना हो, क्लेश में पड़ने वाले ना हो, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने वाले हों। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लेट मी प्रे फॉर यू। अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी आशीष इनके संग हो, आपकी बड़ी दया कृपा अनुग्रह उतरने पाए। यू आर द ग्रेट आई एम, जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी, वो महान पुनरुत्थान और जीवन है, आप ही मार्ग और सत्य और जीवन है और प्रभु जी आप ही आदि और अंत, और हम लोग आपके पास ही आते हैं प्रभु जी अंत के दिनों में मन फिराते हुए, पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं। आप हमें ग्रहण करें, हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करें, हमारे सारे पाप को धो दें प्रभु यीशु मसीह के लहू छिड़क करके, हमारे वस्त्र में प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ रहे, हम लोग शुद्ध बन जाएं, पवित्र बन जाएं, धर्मी बन जाने पाए, हमारा स्वागत उस परमेश्वर के राज्य में होने पाए। प्रभु जी हम लोग तैयार होने पाए और साथ ही साथ हमारी सहायता करें, हम दूसरे लोग को भी तैयार करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना विनती करते आज ही जो भी भाई बहन दुख से गुजर रहे हैं उनके जीवन में चंगाई दें, अपनी शांति दें, छुटकारे दें और अनुग्रह दें परमेश्वर। हालेलुया। उनके परिवार में चंगाई दें। आई प्रोनाउंस द लॉर्ड माय गॉड हेल्थ एंड हीलिंग एंड लाइफ टू देम ओ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से टोटल डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ की घोषणा करते हैं। इनके ऊपर अनुग्रह करें परमेश्वर, दया करें, इनकी सारी जरूरत आवश्यकता अपने स्वर्ग के भंडार से आपूर्ति करें, मदद करें। धन्यवाद सहित सारे भाई बहनों को, हम सबों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।